हे गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या आपको कैसीफाई से जो आईफोन है या फिर कोई अदर फ़ोन है आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, और कैसीफाई से फ़ोन लेने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसीफाई से आईफोन लेने का आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आपको ये जो वीडियो है मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस वीडियो की अनबॉक्सिंग देख सकते हैं, जो हमने आईफोन 12 लिया था कैसीफाई से सुपर कंडीशन में, और क्या कुछ इसकी कंडीशन थी, कैसा कैमरा है और कैसी क्वालिटी है और जो बैटरी बैकअप है वो कितना देता है, ये सारा कुछ हमने डाल रखा है। सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और नहीं मिलते हैं तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं या फिर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो इसके लिए सारे हमने वीडियोस बना रखे हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या आपको कैसीफाई से फ़ोन ये लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर कोई और भी फ़ोन आप लेना चाहते हैं कैसीफाई से तो भी आप ले सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि अगर आप गुड या फिर फेयर कंडीशन में फ़ोन लेते हैं तो आपके फ़ोन में काफ़ी सारे डेंट्स क्रैक्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि आपको इस वाले फ़ोन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे डेंट्स मिलेंगे, स्क्रीन पे भी स्क्रैचेस काफ़ी सारे मिलेंगे, और ये कुछ इस तरीके की क्वालिटी आपको गुड वाले या फिर फेयर वाले में आपको देखने को मिल सकती है। गुड में तो थोड़ा बहुत अच्छा होगा, लेकिन फेयर में आपको डेंट्स क्रैक्स और थोड़ी बहुत बेंडिंग भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप सुपर कंडीशन लेते हैं तो सुपर कंडीशन में आपको कुछ इस तरीके का जो फ़ोन है वो मिलेगा बिल्कुल क्लीन। यहाँ पर केवल एक दो स्क्रैच ही आपको मिल सकते हैं, और जो डेंट्स हैं वो तो आपको माइनर ही देखने को मिलेंगे। कभी कभार हो सकता है आपको एक डेंट मिल जाए, नहीं तो डेंट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और जो पीछे वाला ग्लास है इसमें वो भी बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे भी स्क्रैचेस नहीं है, ना कैमरे लेंस पे और ना ही इसकी स्क्रीन पे, कहीं पे भी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। हालांकि बैटरी की दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो फ़ोन हमने लिया था उसको लिया था सुपर कंडीशन में, और इसकी जो बैटरी हेल्थ थी वो हमें मिली थी पूरी 100%। लेकिन एक महीना 8 दिन हो चुके हैं और इसकी बैटरी हेल्थ हम आपको दिखा दें, सीधे बैटरी पे चलते हैं और बैटरी हेल्थ पे जाते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं 1 महीने 8 दिन में इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 98% हो चुकी है, और 1 महीने बाद लगभग 99% हो गई थी, लेकिन इन 8 दिनों के बाद ये जो है 98% हो गई है, मतलब कि 7 दिन भी नहीं हुए और 1% और गिर गया। और अब ये कब गिरती है वो भी आपको आगे वाले वीडियोस में जानने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियोस डालने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कैसीफाई से फ़ोन परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कम बजट में जो फ़ोन है वो मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत उनका पैसा बच जाता है। तो अगर आप गुड कंडीशन में फ़ोन लेते हैं तो भी आपका सही रहेगा, लेकिन अगर आप फेयर कंडीशन में फ़ोन लेते हैं तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। बाकी कोई भी हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर की दिक्कत नहीं देखने को मिली है इस फ़ोन में अभी तक हमें, क्योंकि इसको हमने जो है कैसीफाई स्टोर से जाकर परचेज किया था, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो लगभग 1 हफ्ता लग जाता है आपको फ़ोन आने में, उसके बाद कैसा फ़ोन आता है ये आपको नहीं पता होता है, और रिप्लेस होने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब तक वो फ़ोन पूरा चेक नहीं कर लेंगे कहाँ से दिक्कत है, तब तक आपका जो फ़ोन है वो रिप्लेस नहीं होगा, और लगभग 1 महीना भी लग सकता है आपके फ़ोन को रिप्लेस होने में, तो तब तक आपको पैसा जो है फंसा रहेगा। उससे अच्छा आप कैसीफाई स्टोर पे सीधा विजिट कीजिए, वहाँ से आपको 1-1.5 हज़ार महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आप अपने फ़ोन को जो है पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं, कब बना है, कब कितनी वारंटी बाकी है, और क्या डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर नहीं, कहीं डेंट्स वेंट्स हैं या फिर नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको कैसीफाई स्टोर पे विजिट करके ही जो फ़ोन है कैसीफाई से वो लेना चाहिए, नहीं तो गुड कंडीशन में अगर फेयर कंडीशन में आप फ़ोन लेते हैं तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी उसकी आ सकती है, जहां पे आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अगर आप स्टोर से जाके गुड कंडीशन या फिर फेयर कंडीशन देखते हैं, वहाँ पर अगर कंडीशन आपको अच्छी लग रही है तो आप जाके ले सकते हैं। तो आपको कोई सवाल आ रहा है आपके मन में, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।